हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने 12 से 20 फरवरी तक मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान से पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत व पार्टी से जुड़े सम्मान की याद दिलाकर उन्हें चुनाव के लिए तैयार करने का फैसला किया है। साथ ही इसके सहारे उन्हें चुनावी कार्य समझाकर एजेंडे का ध्यान दिलाकर गांव-गांव भाजपा विरोधी दलों के खिलाफ मोर्चाबंदी सजाने की भी तैयारी कर रही है। यह बात भाजपा के जिला अध्यक्ष नंदराम धानिया ने रामगंज मोहल्ला में आशु कामरा को शहरी अध्यक्ष की जिम्मेवारी देने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव और मेयर के चुनाव ने प्रदेश में बीजेपी को मजबूती का रूप दिया है और वे इसी संदेश को लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं। कहा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के तहत घरों पर झंडे लगाए जा रहे हैं और पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कहा कि झंडा लगाओ महाअभियान की शुरुआत 12 फरवरी को की गई है। कहा कि पार्टी की कोशिश है इस अभियान के सहारे भाजपा की ताकत और पकड़ व पहुँच का संदेश देकर लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि इसी दौरान कार्यकर्ता शहरी व ग्रामीणों को समझाया कि किस प्रकार से झंडा लगाते हुए सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पार्टी का प्रचार और प्रसार करना है। इस अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे के घर जाकर स्टिकर व पार्टी का झंडा लगाएं। हमारा परिवार भाजपा परिवार अभियान के तहत भिवानी विधानसभा में 3000 व जिले में 15000 परिवारें संपर्क करेगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से युवाओं के लिए चिंतित रही है। वह योग्यता के आधार पर रोजगार देकर माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को सार्थक करते हुए हरियाणा के विकास को और तेज किया है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विचार को देखकर अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जो की वोटर्स हैं, जो डायनेमिक लोग हैं, उनको पार्टी में शामिल करने के लिए एक अभियान चलाए हुए हैं। उसी अभियान में आज हमने यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का शहरी मंडल का अध्यक्ष आशु कामरा को नियुक्त किया है और उन्हीं के घर पर हम आज ये झंडा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उनको भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और हरियाणा की सरकार ने पिछले 4.5 साल और 5 साल में जिन लोगों को लाभ दिए हैं, जिन लोगों को हम बगैर किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर जिनको नौकरियां दी गई हैं, जिनको उज्ज्वला योजना में, मुद्रा योजना में, जिनको कोई बुढ़ापा पेंशन में, जो लाभार्थी हुए हैं, ऐसे लाभार्थियों से संपर्क करके हम उनके घर पर 26 फरवरी को एक कमल ज्योति, एक दीप जलाने वाले हैं कि उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की वजह से घर में दीपावली आई है और वो 26 फरवरी को सभी अपने घर पर कमल दीपक जला के और इसको मनाएंगे, ऐसा हमारा आह्वान है। मेरा परिवार भाजपा परिवार, ऐसा एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ कार्यकर्ता अपनी सेल्फी लेके और उसको सोशल मीडिया पर और मीडिया पर फैलाएगा कि मेरा पूरा परिवार, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के घर पर झंडे लगाएंगे, ऐसा भी एक अभियान हमने 12 फरवरी से शुरू किया है और ये 2 मार्च तक चलेगा। 2 मार्च को पूरे देश में 1 करोड़ लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बाइक रैली निकालेंगे। एक विधानसभा में कम से कम 1000 मोटरसाइकिल सवार पूरे देश को हम 2 मार्च तक भाजपा में कर देंगे। श्री नंदराम धानिया जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मुझे युवा मोर्चे की युवा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। पार्टी की नीतियां मनोहर लाल खट्टर जी, जो पारदर्शिता नौकरियां दी गई हैं हरियाणा, पूरे हरियाणा में, और जैसे गलियां वगैरह सारी सीमेंटेड बन रही हैं और युवाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है और वो भी ईमानदारी से बिल्कुल, तो इसी इन नीतियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे कि अगर स्पष्ट सरकार आपको बिल्कुल साफ सरकार चाहिए तो आपको बीजेपी सरकार को वोट देना होगा।